अस्सलाम वालेकुम असलकुम नेम इज सर्जन डॉक्टर मोहम्मद लुकमान टुडे आवर टॉपिक इज डिग्री ऑफ हेमराइड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर हेमाराइड्स जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था हेमाराइड्स है लेकिन आज हम हेमाराइड की डिग्रीज को डिस्कस करेंगे हाउ मेनी डिग्री ऑफ हेमराइड्स वी हैव फोर डिग्री ऑफ हेमराइड्स फर्स्ट डिग्री हेमराइड्स पेशेंट ओनली प्रेजेंट विद ब्लीडिंग पर रेक्टम

मरीज़ कहता है कि कोई चीज़ बाहर आ जाती है एंड मैं खुद वो उंगलियों के जरिए से अंदर कर देता हूँ एंड फोर्थ डिग्री फोर्थ डिग्री वेन यूर देयर इज ब्लीडिंग एंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ द रेक्टम देट इज प्रोलेप्स परमानेंटली आउटसाइड ऑफ द एनस वो बाहर ही पड़ा रहता है सो आफ्टर डिग्री ऑफ हेमाराइड्स वट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर हेमाराइड

थर्ड डिग्री हेमाराइड देट इज़ बैंडलाइजेशन क्लेरोजन थेरेपी के बाद बैंडलाइजेस वी हैव बैंडलाइेशन गो जो हेमाराइड प्रोलेप्स होता है उसको कैच कर लेते हैं एंड वी अप्लाई रबर बैंड एट द बेस ऑफ देमारायड तो वो विदिज ऑफ टाइम निक्रोसिस होती है एंड वो पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है If it Uh, अगर दोबारा हो तो फिर वट आर अदर ट्रीटमेंट अवेलेबल हमारे पास देन अवेलेबल ट्रीटमेंट इज ओपन आर क्लोज टेक्निक सर्जरी मिलीगन मॉर्गन ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं हम हेमराइडल है जो क्वेश्चन है पेशेंट को लेता पोजिशन पे लेटा के अंडर जनरल आर स्पाइनल इनस्टीजिया जो हेमाराइडल क्वेश्चन है थ्री सेवन एंड एलेवन ओ क्लॉक पोजिशन हम इसको कैच करते हैं एंड उसको रिमूव करते हैं एंड बेस को हम लाइगेट करते हैं लेकिन एक बात को जहन में याद रखें कि आल अराउंड जो मिकोजल क्वेश्चन है आपने उसको रिमूव नहीं करना क्योंकि अगर आप पूरी क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं तो देन देर आर कॉम्प्लिकेशंस फॉर एग्जांपल पेशेंट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड uh, तो उसको फ्लैटस uh, या स्टू, स्टूल इनकंटेन्स होगी एंड क्लोज टेक्निक किस तरह है जब हम हेमराइडल कशन को रिमूव करते हैं फिर जो हमारे पास डिफेक्ट बन जाता है फिर हम उस डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं दैट इज क्लोज टेक्निक इसके अलावा और जो न्यूअर टेक्निक है उसमें पीपीएच गन आता है उसको स्टेपल हेमरॉइडिक कहते हैं हम वी हैव आ पी पी एच गन पी पी एच गन को हम जो एन एल केनाल है हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं आल अराउंड पर स्टिंग ले लेते हैं और फिर उस परसटेंग को टाई कर देते हैं हमारे पास एक म्यूकोजल डोनट बन जाता है फिर पी पी एच गन को क्लोज करते हैं एंड वी फायर द स्टेप्टर जब आप स्टेपलर को फायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा uh, या रिडनडेंट म्यूकोजा है या कुशन है उसको कट भी कर देता है एंड ऑटोमेटिकली उसको कंटिन्यू स्टेपल भी कर देता है तो विद इन वन क्लिक जो सर्जरी uh, है वो कंप्लीट हो जाती है और फिर जब आप पी पी गन को बाहर निकालते हैं तो उसमें आप देखते हैं वेनवर यू हैव कंप्लीट राउंड ऑफ आफ दूकोजा इट मीन दैट योर सर्जरी इज सक्सेसफुल ये उस सेटअप uh, uh, में हम करते हैं जब वेनवर देयर इज़ रिपीटेड फेलर ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट बट इन पाकिस्तान इट इज़ वेरी कॉस्टली हमारे पास अदर आ, क्या ऑप्शन है वी हैव हेलो हेमराइडल आर्टरी लाइगेशन ऑपरेशन उसमें हम जो प्रोक्टोस्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि पाकिस्तान में रेडियली अवेलेबल नहीं है उस प्रोक्टोस्कोप में डोपलर ट्रांसड्यूसर अटैच होता है वो आपको कहता है कि वो आपको डिटेक्ट डिट करवाता है कि हेमराइडल जो आर्टरी है आ, फीडिंग वेसल वो कहाँ पर है आप उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन यू डायरेक्टली लेगेट गट फीडिंग वेसल तो उससे भी uh, जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो ठीक uh, हो जाते हैं होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू